हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोनीताज वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ है और मस्त है। तो कैसा रहा आपका रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन? आई एम श्योर अच्छा ही होगा। तो चलिए इस वीडियो को यही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है पैकिंग, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। सो 4 more days टू गो टू द थाईलैंड सीरीज। तो चलिए, मैं तो पैकिंग करने में बिजी हूँ थोड़ा। तो आप एक काम कीजिए, आप देखिए आइए कि मैं सुबह से लेके शाम तक क्या क्या कर रही थी, और वीडियो में बने रहिए आखिर तक, ज़रूर देखिए। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मोनीताज वर्ल्ड। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़े देर के बाद। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक जुगाड़ू रेसिपी जो बनती है 15 मिनट्स में। यस, झटपट बनने वाली ये जुगाड़ू रेसिपी का नाम है सोयाबीन पुलाव। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आज। तो सोयाबीन को जो है मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, चाय भी उबल रही है और सोयाबीन पुलाव की तैयारी भी चल रही है। इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पुलाव बनाने के बाद यही सोयाबीन से मैं बनाने वाली हूँ सोयाबीन फ्राई, तो वो रेसिपी बहुत मज़ेदार होगी। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको अच्छी लगी तो। तो मुझे जो है सोयाबीन के इतने बड़े बड़े पीसेस पसंद नहीं है, तो मैं इसको सिज़र से 2 halves में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो आप चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट जस्ट टू गेट दैट परफेक्ट शेप आई थिंक सिजर्स कैन डू वंडर्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ काट के रखा हुआ है ऑलरेडी आपके लिए, आपको दिखाने के लिए। तो अगर आपको मोटा मोटा पसंद है सोयाबीन पीसेस तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ी देर में मैं इसका पानी जो है पूरा निकालने वाली हूँ। सो ये कट करने के बाद मैं पूरा पानी जो है इसका ड्रेन करने वाली हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट द सोयाबीन टू बी स्पॉन्जी और उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो मेरी चाय तो रेडी हो गई है, तो पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि सोयाबीन पुलाव बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो यहाँ पे हमें लगेगा 4 मिर्ची, 5 लहसुन। मैं और मो तीखा कम खाते हैं तो इसके लिए मैंने कम मिर्ची लिया है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो यू कैन ऐड सम मोर चिलीज। उसके बाद हमें लगेगा 2 onions, बड़े प्याज 2, और कड़ी पत्ता, धनिया। और मैंने जो यहाँ राइस लिया हुआ है ये है नॉर्मल राइस, जो वड़ा कोलम राइस आता है, मैंने वही राइस लिया हुआ है। अगर आप बासमती चाहते हो तो आप बासमती भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं चाय पीती हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं पुलाव बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं कांदा को स्लाइस में काट रही हूँ। अगर आप जिस तरीके से भी पसंद करते हो या आपकी फैमिली को जैसे पसंद हो आप वैसे बना सकते हो। तो बिकॉज ये जुगाड़ू रेसिपी है तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती किचन में, तो फट 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 मैंने अनियन को स्लाइस कर दिया है एंड झटपट बनाते हैं फिर इसको। तो
तो पुलाव जो है हम बनाएंगे कुकर में। तो मैंने तेल ले लिया है, आप अपने अंदाजे से तेल लीजिएगा, अगर घी चाहिए तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो तेल गरम हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, कड़ी पत्ता, बारीक काटा हुआ लहसुन, मिर्ची और ऑनियन। अब हमें ऑनियन को जो है सौते करना है ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। इसे हमें क्रंची नहीं बनाना है, सिर्फ थोड़ा पिंकिश कलर आने तक इसको सौते करना है। तो इसको 2 मिनट्स हो चुके हैं सौते करके, मैं थोड़ा और इसे सौते करूँगी। ओके, दिस इज द परफेक्ट कलर आई वॉन्टेड। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, आप अपने स्वाद के हिसाब से आप नमक डाल लीजिएगा। नमक डालने के बाद देखिए, मुझे जो धनिया है गार्निशिंग में पसंद नहीं है, तो मैंने इसको अभी धो के अच्छे से मैं इसको अभी डालने वाली हूँ ताकि उसके फ्लेवर्स अच्छे आ जाएं। अब बस इसको 1 मिनट आप सिर्फ इसको मिक्स कीजिएगा। और राइस मैंने यहाँ पे धो के रखा हुआ है, मैं इसमें अभी थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉईल कर रही हूँ। और अब इसमें मैं डालूँगी मसाले, तो मैंने गैस को स्लो पे कर दिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी जीरा पाउडर और गरम मसाला, आप अपने अंदाज़े से डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला हुआ है। इसके बाद जो है मैं डालने वाली हूँ एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला, अराउंड 2 टीस्पून्स। और इसमें जाएगा किचन किंग मसाला, अभी ऐड मैंने किया है कसूरी मेथी, इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है। अराउंड 2 मिनट्स मैंने इसको अच्छे से मसालों में बॉईल होने रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल कलर आया है इसका। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चावल, and give it a quick mix. तो यहाँ पे मैंने कुकर को कर लिया है बंद, तो इसे हमें 3 सीटी लगाना है। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि इस पुलाव में जो मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है वो है चाट मसाला पाउडर। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वाद आता है पुलाव में। तो चलिए, बहुत जल्दी मेरी 3 सीटी हो गई है कुकर की, तो अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए सोयाबीन फ्राई।
सोयाबीन को हमें पूरी तरीके से ड्राई करना है। ओके, तो अब मैं इसमें डाल रही हूं दही। टू टू थ्री स्पून्स ऑफ दही। इसके बाद मैं डालने वाली हूँ इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये है रेड चिली सॉस। इसके बाद हम डालेंगे इसमें टमेटो सॉस। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, आप अपने टेस्ट से ऐड कर लीजिएगा। और इसमें बिकॉज इसको हमें अच्छे से बाइंड करना है तो मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप राइस फ्लावर भी ऐड कर सकते हो। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ स्वीट चिली सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो ये फर्स्ट बैच रेडी हो गया है इसका। और देखिए पुलाव, अच्छे से बन गई कुकर में हमारी झटपट 15 मिनट्स में बनने वाली जुगाड़ू सोयाबीन पुलाव। ओके, सोयाबीन को हमें करना है फ्राई। तो तेल गरम हो गया है, आप इसे फ्राई कर लीजिएगा एकदम गोल्डन ब्राउन तक। और रेडी है हमारा सोयाबीन फ्राई। Alright, so जैसे कि आप देख रहे हो मैं अभी फ़िलहाल सैलों में बैठा हूँ, तो इससे आपने गैस कर ही लिया होगा। जी नहीं, ये मेरा मेकओवर नहीं, ये नीता का हेयर ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज मैं आई हूँ ला बेला सैलों टू गिव माई हेयर अ न्यू लुक। तो आज होने जा रहा है मेरा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखते हैं कि आज हेयर स्टाइलिस्ट मेरे बालों को कौन से रंग में रंगने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल का नाम लेते हो यानी कि मोनीताज़ वर्ल्ड,
और आप ये सैलो में आते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। यस फ्रेंड्स, दैट्स राइट, मोनीताज वर्ल्ड एंड एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन योर सर्विसेज। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सैलो का एड्रेस मेंशन करूंगी। ऑल्सो जिस हेयर स्टाइलिस्ट ने मेरा मेकओवर किया है उसका नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगी, तो यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट्स नाउ। वेलकम टू लावेला सलोन, मेरा नाम अनु साहू है, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। हमारे यहाँ स्किन, हेयर, मेकअप सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ ऑफ़र भी चल रहा है अभी रक्षाबंधन का, लो डिस्काउंट है और जो भी है 30%, 40%, 50%, प्लीज़ हमारे सलोन में विज़िट करिए। उसके अलावा मेंबरशिप डिस्काउंट भी रहते हैं, 1 ईयर का वैलिडिटी है, आप एक बार मेंबरशिप लेते हो उसमें 5 फैमिली यूज़ कर सकते हैं। एंड ये हमारे सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट है, इनका नाम श्रीधर है, बाकी की जो डिटेल्स है ये वो ये देंगे। माय नेम इज श्रीधर और ये लावेला सलोन है, स्वागत है आपका लावेला सलोन में। और मैं यहाँ पे लास्ट 3 ईयर से वर्क कर रहा हूँ एज अ सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट, और ये जो सलोन है लास्ट 8 ईयर से है, ये नीलजे गाँव डोंबिली कासारियो में है। इनका सेकेंड ब्रांच है लेकशोर पलावा में, और यहाँ पे जैसे कि आपको मैम ने बताया यहाँ पे बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, डिस्काउंट चल रहे हैं, और जो रेगुलर बेसिस पे मेंबरशिप चलता है जो 1 ईयर के लेगा, जहाँ पे वो मेंबरशिप आपके लिए वैलिड रहेगा। और लाइक अभी रक्षाबंधन आ रहा है, गणेश उत्सव आ रहा है, उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे। और डेफिनेटली आप एक बार विजिट कीजिए और आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएंगे और अच्छे अच्छे सर्विस भी मिल जाएंगे। सो प्लीज़ विजिट अवर सलोन्स, लावेला सलोन्स। थैंक यू। सो आपको मेरा कौन सा वाला लुक पसंद आया, कर्ल्स वाला या स्ट्रेट हेयर वाला, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। सो आपको कौन सा वाला लुक पसंद आया, मेरा स्ट्रेट हेयर वाला या कर्ल्स वाला, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। Happy Independence Day to all. किसी भी देश की होती है सबसे बड़ी शक्ति वहां के लोगों की देशभक्ति। तो 15 अगस्त आने वाला है, तो आप सबको मोनीता की तरफ से wishing you a very happy Independence Day. Jai Hind. So
फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जुगाड़ू रेसिपी और मेरा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आया रहेगा। तो आज का व्लॉग जो है हम यही एंड करते हैं।